हे हाय गाइस वेलकम बैक टू द एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम स्पेस के बारे में सो so, इस कंसेप्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं आज की इस वीडियो में मैं वो कंफ्यूजन दूर करूंगा हम बात करेंगे कि नेम स्पेस क्या होता है नेम स्पेस कैसे क्रिएट होता है नेम स्पेस के कौन से कौन से टाइप्स है एंड कैसे हम किसी भी नेम स्पेस को देख सकते हैं so, सो ये वीडियो बहुत यूजफुल है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेम स्पेस जानने से पहले बात करते हैं कि नेम्स क्या होते हैं सो नेम्स आर नथिंग बट द आइडेंटिफायर्स दिज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स क्रिएटेड फॉर द पाइथन ऑब्जेक्ट्स सपोज आपके पास एक पाइथन ऑब्जेक्ट है ट्वेंटी एंड इसके लिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए दिस ए इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर और अ नेम सो so, आपके पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये आइडेंटिफायर्स उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है सो so, फंक्शन के लिए आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं क्लास के लिए आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं नेम्स एंड आइडेंटिफायर दोनों सेम चीज़ हैं आइडेंटिफायर और नेम का यूज़ करके आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आई डी ऑफ ट्वेंटी एंड लिखता हूँ प्रिंट आई डी ऑफ ए सो so, दोनों का आईडी मुझे सेम प्रिंट करके मिलेगा यू कैन सी क्योंकि जब मैं यहां पे ए लिख रहा हूं इसका मतलब मैं इस ट्वेंटी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं सो नेम्स आर नथिंग बट द आईडेंटिफायर फॉर द पाइथन ऑब्जेक्ट्स अब बात करते हैं नेम स्पेस क्या होता है नेम स्पेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नेम्स ये मेरा पाइथन प्रोग्राम है इसमें मैंने चार नेम्स क्रिएट किए ए बी सी एंड डी हैविंग वैल्यूज टेन ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी पाइथन क्या करेगा इन चार वैल्यूज के लिए एक नेम स्पेस जनरेट करेगा एंड इस नेम स्पेस में इन चार वेरिएबल्स को इन चार नेम्स को डालेगा एंड उन नेम्स को मैप करेगा विद देयर वैल्यूज टेन बी को मैप करेगा विथ ट्वेंटी सी को मैप करेगा विथ वैल्यू थर्टी एंड डी को मैप करेगा विथ वैल्यू फोर्टी सो यू कैन डिफाइन नेम स्पेस एज अ कलेक्शन ऑफ दिस नेम्स और यू कैन आल्सो डिफाइन दिस नेम स्पेस as a mapping between these names and the values. So imagine this namespace as a dictionary where these are the keys and these are the values. अब dictionary का आपको एक feature पता होगा कि dictionary unique keys maintain करता है So Python namespace भी ये ensure करता है कि आपके program में unique name होना चाहिए for the value. Suppose मैं यहाँ पे एक और name create करता हूँ having value फिफ्टी एंड इसे असाइन करता हूं टू द सेम वेरिएबल बी अब पाइथन क्या करेगा एक और ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा फिफ्टी एंड इसको टैग करेगा विथ बी नाउ बी इज नो लॉन्गर ट्रैक टू दिस वैल्यू ट्वेंटी सो पाइथन नेम स्पेस ये इंश्योर करता है कि एक टाइम पे एक वेरिएबल और एक नेम एक ही ऑब्जेक्ट को टैग करे अब गाइस आपको ये तो समझ में आ गया कि नेम स्पेस क्या होता है नेम स्पेस एक कलेक्शन होता है नेम्स का मैपिंग होती है इट इज़ जस्ट लाइक अ डिक्शनरी अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेम स्पेस इसके बारे में चार टाइप्स होते हैं एक है बिल्टिन नेम स्पेस सेकेंड वन इज मॉड्यूल लेवल और अ ग्लोबल नेम स्पेस थर्ड वन इज़ अ लोकल नेम स्पेस एंड फोर्थ वन इज इनक्लोज नेम स्पेस चलिए हर एक टाइप को डिटेल में समझते हैं फर्स्ट बात करते हैं बिल्टिन नेम स्पेस के बारे में सो बिल्टन नेम स्पेस एक ऐसा नेम स्पेस होता है जो पाइथन क्रिएट करता है कब जब आप इंटरप्रिटर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने इंटरप्रिटर को स्टार्ट किया एंड जब मैं यहाँ पे डी आई आर फंक्शन लिखूंगा एंड एंटर करूंगा तो दिस इज़ अवर इन नेम स्पेस इसमें सारे बिल्ट इन नेम्स बिल्ट इन पैकेजेस बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन बिल्ट इन फंक्शन सारे प्रेजेंट होते हैं एंड इसी की वजह से आप बिल्ट इन चीज़ें यूज कर सकते हैं लाइक प्रिंट फंक्शन इनपुट फंक्शन लेन फंक्शन ये सारे नेम्स जो है जो लेन लेन इज़ अ नेम गिवन टू द फंक्शन सो ये सारे नेम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड डी आई आर क्या है डी आई आर एक फंक्शन है जिसका यूज करके आप किसी भी नेम स्पेस का कंटेंट देख सकते हैं अब बात करते हैं ग्लोबल नेम स्पेस के बारे में ग्लोबल नेम स्पेस को हम मॉड्यूल लेवल नेम स्पेस भी बोलते हैं ग्लोबल नेम स्पेस एक ऐसा नेम स्पेस होता है जो पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए क्रिएट किया जाता है सपोज ये आपका पाइथन प्रोजेक्ट है अब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं वी नो दैट सो हर एक मॉड्यूल के लिए एक नेम स्पेस क्रिएट किया जाएगा सो दिस इज़ अ मॉड्यूल वन इस मॉड्यूल वन के लिए नेम स्पेस वन दिस इज़ अ मॉड्यूल टू इसके लिए नेम स्पेस टू इसके लिए नेम स्पेस थ्री एंड नेम स्पेस क्या होता है इट इज़ जस्ट लाइक अ डिक्शनरी जिसमें मैपिंग किया होता है अब इस नेम स्पेस वन में मैपिंग किया जाएगा उन नेम्स का जो प्रेजेंट होंगे इस मॉड्यूल में इस नेम स्पेस टू में मैपिंग किया जाएगा उन नेम्स का जो प्रेजेंट होंगे इस मॉड्यूल में सो so, अलग अलग नेम स्पेस हैं अब ये नेम स्पेस कब क्रिएट किया जाता है हमें पता है कि बिल्टिन नेम स्पेस कब क्रिएट होते हैं जब आप इंटरप्रिटर को स्टार्ट करते हैं एंड ग्लोबल नेम स्पेस जब आप पाइथन प्रोग्राम को रन करते तब क्रिएट होता है तो so सपोज इस मॉड्यूल को मैं रन करता हूँ तब ये नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा फॉर दिस मॉड्यूल लेवल अब बात करेंगे ग्लोबल नेम स्पेस की ज़रूरत क्या है सपोज आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं अब इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे बंदे काम कर रहे होंगे सपोज आपको काम दिया है मॉड्यूल वन पे करने के लिए एंड एक और मॉड्यूल है मॉड्यूल टू यहाँ पे आपका फ्रेंड काम कर रहा है एंड एक और मॉड्यूल है मॉड्यूल थ्री यहाँ पे आपका दूसरा कलिक काम कर रहा है सपोज आपके फ्रेंड ने एक वेरिएबल बना दिया ए वेरिएबल हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू एंड आपने भी आपके इस मॉड्यूल में ए वेरिएबल क्रिएट किया हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू एंड इसने भी ए वेरिएबल क्रिएट किया अगर नेम स्पेस नहीं होता नेम स्पेस का कंसेप्ट नहीं होता तो ये सारे वेरिएबल्स कोलाइड हो जाते एक दूसरे का वैल्यू यहाँ पे ओवर हो जाता नेम स्पेस की वजह से ये सारे मॉड्यूल्स आइसोलेट हो रहे हैं सो so, अगर आप सेम नेम्स का वेरिएबल क्रिएट करते इन डिफरेंट मॉड्यूल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे देखिए दो पाइथन मॉड्यूल्स है एग्जाम्पल डॉट पाए एग्जाम्पल वन डॉट पाए मैं एक और मॉड्यूल क्रिएट करता हूं मेन डॉट बाय अब एग्जाम्पल में मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ डिस्प्ले एंड इसमें मैं प्रिंट करता हूं हेलो एंड सेम फंक्शन मैं यहां पे बनाता हूं डिस्प्ले एंड यहां पे मैं प्रिंट करता हूं बाय एंड मेन मॉड्यूल में मैं इन दो मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं इंपोर्ट एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल वन अब सपोज मुझे इस डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करना है जो कि प्रेजेंट है एग्जाम्पल डॉट पाए में तो मैं यहां पे रेफरेंस दूंगा एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले इससे पाइथन इंटरप्रिटर समझ जाएगा कि उसे कौन से नेम स्पेस को एक्सेस करना है क्योंकि इस एग्जाम्पल डॉट पाए के लिए एक अलग नेम स्पेस बना हुआ है इस एग्जाम्पल वन डॉट पाए के लिए एक अलग नेम स्पेस बना हुआ है सो so, पाइथन ये एक नेम स्पेस ये दूसरा नेम स्पेस ऐसे दो नेम स्पेस बनाएगा इन द रैम दिस इज़ फॉर द एग्ज़ाम्पल डॉट पाए दिस इज़ फॉर द एग्ज़ाम्पल वन डॉट पाए एंड दोनों में एक नेम रख देगा दैट इज़ अ डिस्प्ले एंड यहाँ पे भी एक नेम रख देगा दैट इज़ डिस्प्ले सो जब आप मेन डॉट पाए में इनको कॉल करेंगे यहाँ पे देखिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो एग्जाम्पल का जो नेम स्पेस है वहाँ का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा एंड मैं प्रिंट करता हूँ एग्जाम्पल वन डॉट डिस्प्ले तो इसके लिए ये नेम स्पेस कॉल होगा अब बात करते हैं लोकल नेम स्पेस के बारे में ये नेम स्पेस होता है फंक्शंस के लिए एंड क्लासेस के लिए सो so, मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस एंड क्लासेस होते हैं सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया फंक वन एंड इसमें मैंने ए वेरिएबल क्रिएट किया हैविंग वैल्यू टेन देन एक और मैंने फंक्शन बनाया फंक्शन टू एंड इसमें मैंने a वेरिएबल लिख दिया हैविंग वैल्यू 20 सो so, क्या ये कोइंसाइड होगा बिल्कुल नहीं क्योंकि इस फंक्शन वन का एक अलग नेम स्पेस बनेगा इस फंक्शन टू का एक अलग नेम स्पेस बनेगा अब मैं क्या करता हूं एक ग्लोबल नेम स्पेस में भी वेरिएबल बना देता हूं a हैविंग वैल्यू 50 एंड मैं यहां पे प्रिंट करता हूं dir सो so, इस dir फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूं इन द ग्लोबल स्पेस मतलब मैं किसी फंक्शन में इसे नहीं लिख रहा हूँ मैं इसे मॉड्यूल लेवल पे लिख रहा हूँ सो so, ये क्या करेगा ग्लोबल नेम स्पेस जो मॉड्यूल लेवल का नेम स्पेस है मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा यू कैन सी ये देखिए मुझे पूरा मॉड्यूल लेवल नेम स्पेस प्रिंट करके मिला एंड इस मॉड्यूल लेवल पे ए एक वेरिएबल है एक फंक वन नाम का नेम है विच इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन एंड फंक टू दिस इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन साथ ही साथ जो इन चीजें हैं वो भी मॉड्यूल लेवल में आती हैं अब सपोज मैं डी आई आर यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट डी आई आर मैंने एक फंक्शन में डी आई आर को लिखा अब इसे अगर रन करना है तो मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा सो so मैं फंक वन को कॉल कर देता हूँ कॉल करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे जाएगा देन ये एक लोकल वेरिएबल बनेगा लोकल नेम स्पेस में एंड जब मैं प्रिंट करूंगा डी आई आर यू कैन सी द कंटेंट सो दिस इज फॉर दिस लाइन नंबर नाइन का आउटपुट ये है एंड लाइन नंबर टेन का आउटपुट ये है सो so, ये हमें प्रिंट करके मिला फॉर दिस सो डी आई आर फंक्शन मैंने इस फंक वन के अंदर लिखा है एंड इस फंक वन के लिए जो नेम स्पेस बनाया है उस नेम स्पेस में जो नेम्स है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके मिलेंगे सो so, एक पाइथन प्रोग्राम मल्टीपल नेम स्पेसिस मेंटेन करता है सो so, एक नेम स्पेस होता है ग्लोबल लेवल फॉर द करंट मॉड्यूल देन उसके अंदर आपने फंक्शन वन बनाया तो उसके लिए एक नेम स्पेस मेंटेन किया जाएगा देन फंक्शन टू बनाया तो उसके लिए एक नेम स्पेस मेंटेन किया जाएगा ए हैज़ वैल्यू फिफ्टी आपने लिखा है ग्लोबल नेम स्पेस में तो इसके लिए नेम बनेगा इन दिस ग्लोबल नेम स्पेस एज़ वैल्यू टेन ये बनेगा इस फंक वन के अंदर एंड ए हैज़ वैल्यू ट्वेंटी ये बनेगा इसके अंदर तो so, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा है एंड एक और टाइप है इनक्लोज नेम स्पेस सपोज आप फंक वन के अंदर एक और फंक्शन थ्री बनाते हैं एंड इसमें बी वेरिएबल क्रिएट करते हैं हैविंग वैल्यू हंड्रेड एंड मैं यहाँ का नेम स्पेस प्रिंट करता हूँ आपको जहाँ का नेम स्पेस प्रिंट करना है वहाँ पे आपको एक फंक्शन कॉल करना है प्रिंट किया मैंने डी आई लेकिन ये एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा तो मैं बाहर इसे कॉल कर देता हूँ तो चलिए रन करवाते हैं सो यू कैन सी लास्ट इसका आउटपुट मुझे क्या मिला यह प्रिंट करके मिला दैट इज बी सो दिस इज माय ग्लोबल नेम स्पेस मॉड्यूल लेवल नेम स्पेस दिस इज माय लोकल नेम स्पेस एंड दिस इज माय इनक्लोज नेम स्पेस इनक्लोज नेम स्पेस का मतलब होता है अ नेम स्पेस क्रिएटेड फॉर द नेस्टेड फंक्शंस So guys, अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है देखिए ये आपका पाइथन प्रोग्राम है सो so, आप नोटबुक लीजिए इस स्ट्रक्चर को निकाल लीजिए इस पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे दिस इज अ मॉड्यूल वन दिस इज अ मॉड्यूल टू एंड दिस इज मॉड्यूल थ्री सपोज इन दिस मॉड्यूल देयर आर नेम स्पेसेस क्रिएटेड फॉर द डिफरेंट फंक्शंस सपोज दिस मॉड्यूल वन हैज टू फंक्शंस देन देयर इज अ नेम स्पेस क्रिएटेड इन द मॉड्यूल टू सपोज इट हैज थ्री नेम स्पेसिसन इसके अंदर दो नेम स्पेसिस हैं एंड इन फंक्शंस के अंदर और फंक्शंस डिफाइन है मतलब नेचर फंक्शंस है तो इनके लिए भी नेम स्पेस होंगे तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है आपके पाइथन प्रोजेक्ट का सो so, बाहर जो है ये है बिल्ट इन नेम स्पेस देन यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल लेवल नेम स्पेस देन इसे बोलते हैं हम लोकल लेवल नेम स्पेस एंड इसके अंदर जो नेस्टेड फंक्शन है इनको हम बोलते हैं इनक्लोज नेम स्पेस ये इस चार टाइप से नेम स्पेसिस के एंड नेम स्पेसिस का अगर कंटेंट देखना है तो आप टी आई आर फंक्शन का यूज करेंगे आपको सपोज लोकल नेम स्पेस देखना है तो लोकल पे आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे सो तो उस नेम स्पेस में जो करंट नेम स्पेस होगा वाह का उसमें जो भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा और ये कंसेप्ट तब काम आती है जब बहुत सारे बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और आपको सपोज मॉड्यूल टू का कंटेंट देखना है तो यू कैन यूज द डी आई आर फंक्शन आप देख सकते हैं कि कौन से कौन से वेरिएबल्स क्रिएट किए इस फंक्शन में कौन से कौन से वेरिएबल्स क्रिएट किए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में तो so ये डायग्राम बना लीजिएगा अच्छी तरह से आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम अब आगे हम बात करने जाएंगे क्लोजर्स एंड डेकोरेटर्स कंसेप्ट के बारे में यलई जी रूल में भी आपको समझाऊंगा इस वीडियो में बस इतना ही बाय बाय थैंक यू